अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अली डिथो व्लॉग ऑफिशियल में मैं आपका अपना मेहमान अली डिथो आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो अक्टूबर की जो हमने काश्त की थी जो पिछले वीडियो में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है एक मंथ पूरा होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़मीन पर जाएँगे और उसकी जो रिज़ल्ट है वो कैसी तरह तैयार है वो आपको दिखाएँगे और उसकी पूरा प्रोसेस जो निकलने का है वो इंशाल्लाह आपको बताएँगे। देखिए फाइनली ज़मीन पर भी हम पहुँचने वाले हैं क्योंकि हमारे घर के नज़दीक ही हमारी ज़मीन है और ये आप देख सकते हैं हमारा गांव। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जो भी फसल है उनके लिहाज से इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो ये रहेगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हरे भरे खेत ये देख सकते हैं आप। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लुक आप देख सकते हैं नीचे चारों तरफ। और ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ गाँव में जो नज़दीक वाले उसमें केले का फसल है और ये भी आप देख सकते हैं गन्ने का फसल जिसको तकरीबन अभी 2 माह हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं जो पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह के फजल और करम से ये आप देख सकते हैं ये गंदम का दूसरा मरल है इसका। पहले मरने में मैंने आपको दिखाई थी जो इसकी बुगाई, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तो आज 1 माह पूरा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको जो दिखाया तो उसमें जो गंदम जो काश्त हुई थी अक्टूबर में बैल पे बिल्कुल देसी के तरीके से, तो वो मैंने आपको दिखाई और यह मेरे पीछे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना 1 माह के रिजल्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गंदम का फसल है वो तकरीबन 6 माह में जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाता है। जो फिर अभी जो अक्टूबर वाली काश्त जो गंदम को तकरीबन अप्रैल के माह में जो है वो निकल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह का फसल है। तकरीबन जो पाकिस्तान में है सिंध और पंजाब में ये जो है वो ज़्यादा काश्त होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर के हवाले से हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे हर फसल के लिहाज से। और ये गंदम के साथ साथ आप देख सकते हैं ये गन्ने का फसल, तो अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने का जो फसल है वो तकरीबन 18 मंथ्स में वो जो है ना तैयार होता है। तो सबसे ज़्यादा तैयार होने में जो वक्त लगता है वो गन्ने का फसल है। तो अभी ये जो आप रिसेंट इसकी पोजीशन देख सकते हैं ये तकरीबन इसको 2 माह हो गए हैं। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं गन्ने का तैयार फसल भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रेशिंग सीज़न चल रही है मटियारी शुगर मिल की, तो उसमें अभी इंशाल्लाह दिसंबर में ये निकल जाएगा और फिर इसमें जो है जनवरी में गन्ना काश्त होगा। जी नाज़रीन, तो आज के मिनी ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई जो अक्टूबर वाली काश्त थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इसी तरह आपको एग्रीकल्चर के लिहाज से इंटरटेन करते रहेंगे और एग्रीकल्चर के लिहाज से जो भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपनी मेज़बान अली डिथो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।